आज इस देश के हर आदमी का हर औरत का एक ही सपना है कि मेरी जिंदगी तो जैसे है गुजर गई, बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाए। हर कोई सोचता है बस बच्चे को ऐसी एजुकेशन दिला दें कि बच्चा अच्छी नौकरी कर सके, अच्छा रोजगार पा सके, अपनी जिंदगी में जो हासिल हम नहीं कर पाए कम से कम हमारा बच्चा हासिल कर पाए। इसलिए लोग शिक्षा व्यवस्था की तरफ देखते हैं, स्कूल की तरफ देखते हैं, पेट काट के बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यवस्था क्या देती है? हर कदम पे लोगों के साथ धोखा। ये शिक्षा व्यवस्था लोगों को ज्ञान देने का तरीका नहीं है, ये कोई उनकी आँख खोलने का तरीका नहीं है। बस बड़े बाप का बेटा बड़ा बना रहे और छोटे घर का बच्चा छोटा ही रहे, ये व्यवस्थित करने के सिस्टम है शिक्षा व्यवस्था इस देश की। सरकारी स्कूलों में या तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो क्लास में पढ़ाई नहीं। हर जगह पे पैसे का खेल, प्राइवेट स्कूल की फीसें ऐसी जो साधारण इंसान तो दे नहीं सकता, देगा तो खाना कहाँ से खाएगा। आगे एडमिशन का चक्कर हो तो उसमें फ्रॉड, और किसी तरह से एडमिशन डिग्री हो भी गया तो नौकरी के अंदर जाति, सिफारिश और पैसा। सारा सिस्टम ऐसा बना है कि इस देश की आने वाली पीढ़ी को ना शिक्षा ना कायदे का रोजगार। स्वराज अभियान ने तय किया है कि हम शिक्षा स्वराज के सवाल पे इस देश में एक आंदोलन खड़ा करेंगे, और आंदोलन की शुरुआत करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है 18 अगस्त को। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये सब लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, और सरकारी कर्मचारी से भी ज़्यादा ये जो MLA, MP, बड़े बड़े अफसर हैं, ये सब लोग जो इस देश में शिक्षा के चौकीदार हैं, ये खुद अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये सब MLA, MP, अफसर, इन सब लोगों को अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा, यानी कि इन्हें अब सरकारी स्कूलों की चिंता करनी पड़ेगी। अपना बच्चा जाएगा ना, जिस दिन खुद समझ आ जाएगा, खुद चिंता आ जाएगी, सरकारी स्कूल की क्वालिटी सुधरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं देश भर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के पक्ष में एक मानस बना रहे हैं, देश भर में बहस चला रहे हैं, वहाँ से शुरू हो के देश में जो जो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो रहा है उस सब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और एक साधारण सी मांग कर रहे हैं, सबको शिक्षा, समान शिक्षा और सार्थक शिक्षा।